हेलो ऑल वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट कोड इज के ई सी थ्री जीरो टू एंड हियर वी आर इन लेक्चर नंबर थर्टी थ्री ए सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं और हम किस तरह से शिफ्ट रजिस्टर को क्लासिफाई करते हैं लाइक लेफ्ट ऑपरेशन क्या है राइट right रजिस्टर क्या है या बाई डायरेक्शनल दोनों मोड में ऑपरेट होता है देन In the last lecture, we have also seen the mode uh, type of the shift register based on the mode of input and output. Ki agar main input सीरियल एंटर कराता हूं या इनपुट को पैरेलल एंटर कराता हूं तो मेरा शिफ्ट रजिस्टर किस तरह से क्लासिफाई होता है लाइक सीसो सीपो पीसो पीपो एंड ऑल द फंक्शनिंग आर कवर्ड इन अ सिंगल रजिस्टर दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर तो अगर मैं शिफ्ट रजिस्टर की बात करूं तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर और यहाँ पे डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर आर द इंपॉर्टेंट वन जहां पे आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पुट हो जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर और डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर नाउ इन दिस लेक्चर कंटिन्यूइंग विद द विदिफ्ट रजिस्टर हम शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बात करेंगे और इस लेक्चर uh, में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज शिफ्ट रजिस्टर एप्लीकेशंस पार्ट एप्लीकेशंस में दो एप्लीकेशन बहुत मेन है तो इसके अलावा भी हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो uh, अलग टॉपिक uh, में भी बन जाती है एक तरह से अलग नाम से ही पूछ लिया जाते हैं रिंग काउंटर एंड द जॉनसन काउंटर और जब इसके बाद जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर काउंटर से ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन टू काउंटर और उसमें हम बात करेंगे रिपल काउंटर की तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स एप्लीकेशन सो एज द नेम शिफ्ट रजिस्टर एप्लीकेशन तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो शिफ्ट रजिस्टर की यूज होती है दिस इज कॉल्ड डिले टाइम

ट मीन्स अगर एक फ्लिप्लॉप एक सेकेंड का टाइम डिले लेता है तो चार फ्लिप फ्लॉप टोटल मिला के कितना टाइम डिले लेंगे फोर इंटू वन डेट बिकम्स फोर सेकेंड ठीक है सो अल्टीमेटली अगर मुझे टाइम डिले को इंक्रीज करना है तो आई कैन अप्लाई दिस सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर और ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिया इसी चीज के लिए यहाँ पे एक फॉमूला लिखा हुआ है जिससे आप जनरल फार्मूला कह सकते हो कि वट इज द टाइम डिले प्रोवाइडेड बायर शिफ्ट रजिस्टर दैट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई टी वेर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड टी इज रिप्रेजेंटेड योर टाइम पीरियड कि एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या क्लॉक लगी है या उसका डिले कितना है उस टाइम पीरियड को डिपेंड कर रहा है डॉट इज योर टी

यानी सीरियल डेटा को किस तरह से मैं पैलल डेटा में कन्वर्ट कर सकता हूं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर ठीक है जैसे सपोज आपको कोई डेटा सेंड आउट करना है अब आप एक एक बिट ना सेंड आउट करके आपको पता है एक एक बिट सेंड सेंड करूंगा मोर टाइम सो आप करना चाहते हैं बट पैल सेंड करने से पहले यू हैव द डेटा सो आपके पास डेटा सीरियली आ गया एकट हो गया एंड देन एक बार में वो डेटा पूरा का पूरा फॉरवर्ड आपने कर दिया तो दिस इज कॉल्ड द सीरियल टू पैल कन्वर्जन द सेम इज द अपोजिट वन हम लोगों ने जो पढ़ा था पी सो दैट इज पैल इन सीरियल आउट कि डेटा एक साथ इनकमिंग हो गया बट नाउ इट विल गोज टू द सेपरेट लाइन सीरियल आउट एक एक करके डेटा को हम बाहर भेज रहे हैं तो दैट इज कॉल सीरियल इन पैल आउट और पैलल इन सीरियल आउट सीरियल टू पैल डेटा कन्वर्जन एंड पैल टू डेटा पैलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन सो दीज आर द दीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिंग काउंटर

इनपुट ऑफ द फर्स्ट लिपलॉप लास्ट लिप्टॉप के आउटपुट को मैंने इनपुट ऑफ द फर्स्ट पर दिया काउंटर वाई बिकॉज अब जब आपने इसको फीडबैक एक तरह से पात्र कनेक्टिविटी दे दी तो क्या होगा इसमें एक स्टेट कुछ कॉलोकपल्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा ठीक है रिपीट करेगा तो जितनी क्लॉक पल्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा उसी को हम बोलते हैं कि एक तरह से ये अब हमारा सर्किट उन क्लॉक पल्स को काउंट करने के लिए यूज होता है डाट्स वाई वी कॉल्ड इट सिंपली एज अ काउंटर क्योंकि काउंटर जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल काउंटर का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को काउंट करने वाला सर्किट और जैसे कि हमने फ्लिप फ्लॉप में देखा है कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लॉक को अप्लाई करते हैं तो इन फ्लिप्फ्लॉप की स्टेट चेंज होती है यानी शिफ्ट रजिस्टर अपनी स्टेट को चेंज करता है सो नाउ वंस फ्रॉम द इनिशियल स्टेट बैक टू द इनिशियल स्टेट तो जितना टाइम पीरियड या जितना हमें क्लॉक पल्स अप्लाई करनी पड़ेंगी एक सेम स्टेट से वापस उसी स्टेट में आने को इस चीज को हम बोल रहे हैं रिंग काउंटर ठीक है सो यहां पे लिखा हुआ है इफ दे आर एन फ्लिप फ्लॉप देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विल ऑल्सो बी एन अगर यहां पे चार फ्लॉप हैं तो यहां पे चार स्टेट रिक्वायर्ड होंगी जिसके बाद यानी चार क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगी जिनके बाद वापस ये आ, शिफ्ट रजिस्टर यानी कि रिंग काउंटर अपनी स्टेट को रिपीट करेगा तो चलिए समझते हैं बेसिकली कैसे रिपीटेशन होगी तो रिपीटेशन करने के लिए मैं फिर से वही टूथ टेबल वाला पार्ट लेके आता हूँ लाइक क्लॉक पल्स है और इट इज क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी नाउ इफ यू कैन सी देर इज नो इनपुट इन दिस रिंग काउंटर आपके पास इनपुट नहीं है तो अगर मैं इसकी स्टेट को जीरो 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 चलाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट क्लॉक पल्स आप कितनी भी चेंज करते रहिए आपको हमेशा जीरो 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 ही मिलने वाला है तो इसलिए मैं क्या करूंगा आई विलेट द इनिशियल स्टेट इज जीरो 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 एंड दिस क्यू डी इज वन दिस क्यू डी इज वन तो क्यू डी की स्टेट को मैं क्या रखूंगा वन लिखूंगा तो क्यूडी वन होने से क्या होगा नाउ फाइन इनिशियल स्टेट इनिशियल So, स्टेट तो तो इज जीरो 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 वन सो मैन अप्लाई द फर्स्ट पल्स, तो फर्स्ट पल्स पे क्या होगा अभी क्यूडी वन होने की वजह से ये वन कहां पर अप्लाई हो गया बेसिकली डी नॉट पे तो जब फर्स्ट लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो डी नॉट कहां फॉरवर्ड हो जाएगा क्यू ए पे यानी कि दिस क्यू डी इज फॉरवर्ड टू योर क्यू ए ठीक है दिस इज बिकम वन और क्यू ए क्यूबी चला जाएगा क्यू बी क्यूसी चला जाएगा क्यूसी क्यूडी चला जाएगा यानी दिस इज सिंपली राइट शिफ्ट जीरो जीरो एंड जीरो तो इसमें इनपुट बेसिकली कहां से आ रहा है इनपुट इज ट्रांसफर फ्रॉम द क्यूडी पार्ट क्योंकि हमने क्या डायग्राम बनाया क्यू डी इज ट्रांसफर टू क्यू ए सो क्यू डी टू क्यू ए नाउ रिपीट द प्रोसेस क्लॉक पल्स नंबर टू सो क्लॉक पल्स नंबर टू दिस वन इज शिफ्टेड ओवर हियर दिस जीरो इज शिफ्टेड ओवर हियर दिस जो क्यूडी वाली वैल्यू थी दिस इज कम बैक टू योर क्यू ए यानी देन ऑन द थर्ड क्लॉक पल्स This is shifted over here, this one is shifted to QC, this zero is shifted to Q D, and the QD output comes towards QA over here. Okay? So yahi kaam ho na hai. QD hai? QA So QD hai? QA pe. then QA to QB, QB to QC, QC to QD. And then the fourth lock pulse, this QD comes to QA, this QA comes to QB, this QB comes to QC, and this QC comes to क्यू डी सो हमारी इनिशियल स्टेट क्या थी हमारी इनिशियल स्टेट थी जीरो 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 वन एंड नाउ आई कम्स टू द सेम स्टेट दैट इज जीरो 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 वन फ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स आफ्टर फोर क्लॉक पल्स इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इफ दे आर आर एन फ्लिफ क्लॉप्सो एन मीन ऑफ स्टेट का मतलब तो एक तरह से ये सर्किट अगर हम एक आउटपुट को इनपुट पे कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इस सर्किट के थ्रू मैं अपनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को काउंट कर सकता हूँ कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स द सर्किट रिपीट इट्स स्टेट इट्सल ठीक है तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रिंग काउंटर नाउ अब अगर मैं आउटपुट को कनेक्ट कर सकता हूं तो एक प्रोसेस ये भी हो सकता है कि मैं इसके आउटपुट बार को कनेक्ट कर दूं ऑन दर वर्ड इनपुट तो अगर मैं आउटपुट बार को कनेक्ट करता हूं तो उस कंफ्रिगेशन को हम बोलते हैं द अनदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड जॉनसन काउंटर तो जॉनसन काउंटर के अंदर देखिए डिफरेंस बहुत छोटा सा है रिंग काउंटर के अंदर मैंने क्यूडी को कनेक्ट किया था द लास्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट बट इन द जॉनसन काउंटर आई एम कनेक्टिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड बैक टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ठीक है आपका कॉम्प्लीमेंट पार्ट जो होगा वो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे कनेक्ट होने वाला है ठीक सो नाउ अगेन अगर मुझे नंबर ऑफ पल्स देखनी है जो मैंने यहां पे लिखा है एन फ्लिप सो नाउ एट दिस टाइम द टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स विल बी टू एन यानी कि स्टेट अपने आप को रिपीट करेगी आफ्टर द हाउ मेनी क्लॉक पल्स आफ्टर टू एन क्लॉक पल्स एफ दर एन फ्लिप फ्लॉप स्टेट विल बी रिपीटेड इट सेल्फ आफ्टर टू एन तो यानी अगर यहाँ पे चार फ्लॉप है, हैं फोर फ्लॉप्स आ गए तो स्टेट कितनी क्लॉकपल के बाद स्टेट अपने आपको रिपीट करेगी एट के बाद कैसे देखिए मैंने यहां टेबल में शो कर रखा है क्या है अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट अब देखिये यहां पर रिंग काउंटर के अंदर हमें इनिशियली जीरो जीरो वन लेके चलना पड़ा था दिस क्यूडी इज एट वन बट जॉनसन काउंटर के अंदर मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आई कैन चूज द इनिशियल स्टेट एज जीरो 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 ठीक है बिकॉज जब आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे देन इस QD का अगर जीरो है तो वैल्यू यहां पे क्या होगी वन तो दिस वन इज ट्रांसफर टू योर क्यू ए तो अल्टीमेटली बार QD बार जो है दिस विल बी ट्रांसफर टू योर क्यू ए सो अगर यहां पे जीरो है तो क्यू डी के बार कितना होगा वन तो दिस वन इज ट्रांसफर टू योर क्यू ए एंड दिस क्यू ए इज ट्रांसफर टू क्यू बी क्यू बी इज ट्रांसफर टू क्यू सी एंड क्यू सी इज ट्रांसफर टू क्यू डी नाउ अगेन जीरो फिर से क्या आंसर होगा वन वन so यहां पर ट्रांसफर हो गया और ये बाकी का डेटा राइट शिफ्ट नाउ अगेन जीरो सो ऑन द नेक्स्ट पल्स ये वन आ गया एंड बाकी डेटा हमारा राइट शिफ्ट बाकी डेटा हमारा हो गया राइट शिफ्ट ठीक है नाउ अगेन ये भी जीरो है तो फिर से वन जनरेट होगा यानी फोर्थ लॉक पल्स पे ये यहां पे फिर से वन आया फ्रॉम दिस ठीक है यहां से जो आपका ये जीरो है इस जीरो से आपका फिर से यहां पे वन आया और उसके बाद ये वन

नेक्स्ट क्लॉक पल्स फिर से क्यूडी वन था तो क्यू डी का उल्टा जीरो आएगा तो जीरो 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 और यहाँ पे वन ट्रांसफर और फिर से एट्थ क्लॉक पल्स दिस वन का अपोजिट अगेन जीरो तो जीरो ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर जीरो पल्स वी गेट द सेम स्टेट जो कि हमने यहाँ पे इनिशियल में एज्यूम की थी सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिंग एंड द जॉनसन काउंटर के रिंग काउंटर के अंदर हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को कनेक्ट करते हैं एंड वी गेट द नंबर ऑफ जिसके बाद सर्किट अपनी स्टेट को रिपीट करता है इक्वल टू एन और अगर हम जॉनसन काउंटर की बात करें तो हम आउटपुट के कॉम्प्लीमेंट को इनपुट साइड पे कनेक्ट करते हैं एंड देन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर इक्वल टू टू एन तो दीज आर सिंपली रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर एज एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर ठीक है अब जैसे कि मैं काउंटर की बात कर रहा हूं तो एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर अपने आप में काउंटर जो है वो अपने आप में एक टॉपिक है जो हमें सेपरेटली पढ़ना है सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटर जिसका मैं बेसिक आप लोगों को बता चुका हूं काउंटर का काम क्या है काउंटर का काम है काउंटर इज बेसिकली रजिस्टर कैपेबल ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इसका काम होता है कि किसी सर्किट पे आपने कितनी क्लॉक पल्स लगाई हैं उन क्लॉक पल्सेस को काउंट count करना काउंटर का काम है ठीक है और काउंटर कैसे काम करता है काउंटर जैसे कि हमने अभी यहां पे देखा कि एक इनिशियल स्टेट से वापस उसी स्टेट पर पहुंचने तक उसे कितनी क्लॉक पल्सिस लग रही है दैट इज काउंटेड बाय द काउंटर ठीक है सो अब यहाँ पे काउंटर की जो हम बात करने वाले हैं तो काउंटर अपने आप में शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन भी है जो हमने वहां पे एज एन एग्जांपल डिफाइन कर दिया जॉनसन और रिंग पे बट नाउ दिस इज योर सेपरेट टॉपिक आल्सो सो नाउ काउंटर इज इन डिटेल सो so, काउंटर क्या है आप लोगों को समझ में आ गया एक ऐसा सर्किट जो कि क्लॉक पल्स को काउंट करने वाला है नाउ इट विल डिड इन टू कैटेगरी सेम जैसे कि हमारा सिंक्रोनस डिवाइड डिवाइड होता होता है होता है सर्किट लाइक एंड तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म इफ यू रिमेंबर जी हा सिंक्रोनस के अंदर ऑल द फ्लिप फ्लिपलॉप आर ड्राइव बाय द सेम क्लॉक पल्स ड्राइव एट अ सेम क्लॉक पल्स सेम क्लॉक पल्स पे सेम टाइम पे ड्राइव होंगे दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइज्ड मैनर और ए सिंक्रोनस के अंदर सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ड्राइव नहीं होते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस तो यहां पे जो हम बात करने वाले हैं दोनों की ही बात करेंगे बट फर्स्टली आई विल कवर ए काउंटर और ए सिंक्रोनस काउंटर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द सिंक्रोनस काउंटर जिसके हम पहले बात कर रहे हैं दिस इज आल्सो नोन एज द रिपल काउंटर अभी मैं बताऊंगा क्यों इसे रिपल भी बोलते हैं और यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे समझना चाह रहे हैं फोर बिट रिपल काउंटर और ए सिंक्रोनस काउंटर

टोगल टॉगल मोड ठीक है जहां पे मैं आउटपुट क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेट क्या मिलती है प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट अगर जीरो है तो वन मिलेगा वन है तो जीरो मिलेगा तो ये हमारी जेके फ्लॉप के थ्रू ही बनेंगे और किस में ऑपरेट रहेंगे फ्लिप फ्लॉप हमेशा लॉजिक वन यानी कि हाई लॉजिक इज ऑलवेज अप्लाइड टू द जेके फ्लॉप इनपुट तो अगर आप यहां देखिए मुझे फोर बिट बनाना है दैट आई रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप तो मैंने यहां चार जेके फ्लॉप कनेक्ट किए हैं दे आर फोर जेके फ्लिपलॉप जे ए के ए क्यू ए क्यू ए बार जेबी के बी क्यू बी क्यू बी बार दिस इज सी फ्लिप फ्लॉप दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप के जो हमारे पास इनपुट्स हैं जे ए के बी के बी ऑल आर कनेक्टेड टू द हाई लॉजिक दैट इज इक्वल टू वन यानी मैंने चारों के इनपुट्स को किसमें लगा दिया वन पे लगा दिया यानी चारों के चारों एक टॉगलिंग मोड में ऑपरेट हो रहे ठीक है नाउ द सेकेंड डिफरेंस जो यहां पे हम हाँ बात करने वाले हैं ए सिंक्रोनस तो आप यहां पे देखेंगे ना वर्ड ए का मतलब क्या है कि नाउ द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड ओनली दिस ए फ्लिप फ्लॉप और ये बी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स कौन है इस बी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स है द आउटपुट ऑफ क्यू ए यानी आउटपुट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप तो एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को ड्राइव कर रहा है एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को ड्राइव कर रहा है एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को ड्राइव कर रहा है अब ये एक साथ वर्क नहीं करने वाले अब ये एट अ टाइम एक फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा फिर उसकी वजह से दूसरा करेगा दूसरे की वजह से तीसरा करेगा तीसरे की वजह से फोर्थ वन करेगा तो दिस इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस मोड ठीक दूसरी चीज तो ये आपको ए फ्लॉप क्लियर हुआ होगा ए सिंक्रोनस काउंटर मैंने इसे बना दिया इस सर्किट को मैं ए सिंक्रोनस काउंटर बोल रहा हूं जहां पे मैंने जेके फ्लॉप यूज किया है ऑलवेज कनेक्टेड टू द इनपुट हाई टर्मिनल एंड देन द क्लॉक पल्स इज अपलाइड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड अदर्स रेस्पेक्टिव सक्सेसिव फ्लिप फ्लिप्लॉप आर ड्राइव बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप ठीक है इतना पार्ट हो गया ये मेरा फोरबिट ए सिंक्रोनस काउंटर बन गया अब ये कैसे फंक्शनिंग कर रहा है अब ये काउंटर है तो काउंट करना है ना इसे हर एक क्लॉक पल जब चेंज होगी तो इसे अपनी स्टेट को बदलना है काउंट करना है सो so, अब देखते हैं कैसे काउंट कर रहा है सो लेटेस्ट टेक अब हमें मुझे इसकी स्टेट्स लिखनी है तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि एल कौन बनेगा एल एस बी फ्लिप फ्लॉप तो एल एस बी फ्लिप फ्लॉप कौन होता है जिसमें कि क्लॉक पल्स डायरेक्ट अप्लाई की जाती है दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप कि एल एस बी फ्लिप फ्लॉप कौन बनेगा जिसमें क्लॉक पल्स डायरेक्टली अप्लाई हो रही है अब अगर आप देख पा रहे हो यहां पे अप्लाई हुई है QA पे, A flip -flop पे। यानी तो तो एक तरह से ये आपकी फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स हैं, जो कि क्यूडी क्यूसी क्यूबियन क्यूए है दिस क्यूए इज एल एस बी ऑलवेज रिमेंबर जहां पे आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे दैट फ्लिप फ्लॉप इज ऑलवेज एल एस पी साइड ठीक है नाउ तो इनिशियल स्टेट हम क्या मानते है? 0, 0, 0, 0. 0, 0 हैं जीरो 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 और यह जीरो की बात करूं तो एक होता है क्लियर पिन बार तो अगर मैं इस क्लियर पिन को इनेबल कर देता हूं तो यहां पे आपका वैल्यू जीरो हो जाएगी मतलब एक तरह से जीरो स्टोर हो जाएगी रीसेट पिन हो जाएगा एक तरह से ठीक है तो इनिशियल स्टेट क्या मानी जीरो 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 नाउ सी अभी तक हमने यहाँ पे हर डायग्राम में दिखाया है वॉट इज दिस दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर नेगेटिव एज ट्रिगर इसका क्या मतलब था अगर आपको याद हो कि जब क्लॉक पल्स के दो पार्ट होते हैं एक होता है पॉजिटिव एज और एक होता है नेगेटिव एज दिस इज नेगेटिव एज यानी कि जब मेरी क्लॉक वन से जीरो पे कन्वर्ट होती है जब उसकी वैल्यू वन से जीरो में कन्वर्ट हो रही है देन इट विल ट्रिगर समथिंग ठीक है जो भी ट्रिगर समथिंग क्या हुआ ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप तो वो उस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने वाली है दैट मीनस जब यहां पे जो क्लॉक पल्स हमने अप्लाई करी है ये वन से जीरो का चेंज करेगी तब यहां पे इस क्यूए की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस विल टॉगल बिकॉज इन इट इज ऑपरेटेड इन द टॉगलिंग मोड तो अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इट विल ऑपरेट एज वन ठीक है कब जब मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करने वाला हूं तो फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही आपने अप्लाई करी नाउ दिस इज एफ सी पी पल्स तो फर्स्ट क्लॉक क्लॉकपल जैसी मैंने अप्लाई करी दिस क्यूए विल चेंज फ्रॉम जीरो टू वन ठीक है? क्यूए चेंज हो गया अब क्या मेरा बी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा क्या सी काम करेगा देखते हैं तो क्यूए चेंज हुआ है जीरो से वन। अब ये QA इस B के लिए काम कर रहा है क्लॉक पल्स का लेकिन अभी क्या चेंजिंग आई है अभी तो जीरो से वन की चेंजिंग आई है तो क्या यहां पे वर्क करेगा जी नहीं वर्क नहीं करेगा क्यों क्योंकि हमारा बी फ्लिप फ्लॉप तब वर्क करेगा वेन क्यूए चेंजेस फ्रॉम वन टू जीरो जब क्यूए वन से जीरो में चेंज लेगा तब हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप वर्क करने वाला है सिमिलरली सी फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा जब क्यू बी वन से जीरो में चेंज होगा सिमिलरली फॉर डी कि जब क्यू सी मेरा वन से जीरो में चेंज आएगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करने वाला है तो जब मेरा यहां क्यू बी ही वर्क नहीं करेगा तो क्यूसी भी वर्क नहीं करेगा और क्यू डी भी वर्क नहीं करेगा डैट मीन्स इनकी क्लॉक ही डिसेबल है क्लॉक इनेबल नहीं हुई तो ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने वाले हैं नो चेंज It? तो फर्स्ट क्लॉक पल्स दिस इज द फर्स्ट स्टेट नाउ द सेकंड क्लॉक पल्स अब क्लॉक पल्स हमेशा किस पे अप्लाई हो रही है ए पर तो ये तो टॉगल करने ही वाला है यानी क्यू ए चेंजेस टू वन टू टॉगल होगा ही होगा ठीक अब क्योंकि क्यूए 1 से 0 में चेंज हुआ है अब क्यू ए वन से जीरो में चेंज हुआ है इसलिए मैं एक एरो शो कर रहा हूं जो कि मुझे यह दिखा रहा है नाउ इट इज अ क्लॉक पल्स जो कि बी को चेंज करने वाली है बिकॉज नाउ इट इज अ वन टू जीरो चेंज नेगेटिव एस्टिगर तो अब की बार क्योंकि क्यू ए वन से जीरो चेंज हुआ है दैट मीन्स क्यू बी मेरा ऑपरेट करेगा दैट मीन्स ये मेरा टॉगल करेगा जीरो से वन में ये टॉगल करेगा जीरो से वन में अब क्योंकि ये जीरो से वन टॉगल कर रहा है तो क्या क्यूसी वर्क कर सकता है नहीं सी वर्क नहीं कर सकता क्यों सी वर्क कब करेगा जब ये वन से जीरो का चेंज आएगा निगेटिव एस्टिकल तो अभी भी आपका क्यूसी वर्क नहीं करेगा क्यूसी इज सेम और क्यू सी वर्क नहीं करेगा तो क्यू डी इज सेम सिमिलरली अप्लाई द थर्ड क्लॉक पल्स थर्ड क्लॉक पल्स फिर से क्यूए पे अप्लाई है तो क्यू ए तो टॉगल करना ही करना है तो क्यू ए मेरा जीरो से वन हो गया अब अगर ये जीरो सेवन हुआ तो क्या क्यू वर्क करेगा जी नहीं जीरो सेवन में कोई वर्किंग नहीं तो ये एज इट इज ये एज इट इज तो ये भी एज इट इज ये भी एज इट इज द फोर्थ लॉक पल्स क्यू ए फिर टॉगल हुआ अब अगर क्यू ए टॉगल हुआ नाउट चेंजेस फ्रॉम वन टू जीरो तो इस वन टू जीरो की वजह से क्यू बी मेरा टॉगल होगा यानी क्यू बी चेंजेस फ्रॉम वन टू जीरो अब अगर क्यूबी वन टू जीरो में चेंज हो रहा है नाउ दिस क्यूबी वर्क एज अ क्लॉक फॉर क्यू सी और ये अब की बार क्योंकि वन से जीरो जा रहा है तो क्यूसी वर्क करेगा यानी कि क्यूसी मेरा हो जाएगा टॉगल होके जीरो से वन और क्यूसी जीरो से वन हो रहा है तो दैट मीन्स ये डी फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करने वाला इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट तो अगर आप देखो जैसे जैसे मैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं आई विल गेट द सेम बाइनरी कॉम्बिनेशन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर अब सिमिलरली अगर आप फाइव इसी तरह से अप्लाई करो इफ यू आर डूइंग द फाइव ठीक है तो यहां पे हो जाएगा क्यू uh, D Q C Q B एंड Q A सो so अगर आप फिफ्थ क्लॉक पर से अप्लाई करते हैं Q A तो आपका चेंज हो गई दिस इज जीरो टू वन जब ये जीरो से वन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होना जब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा नाउ वेन इट कम्स टू सी तो ये मेरा वन से जीरो में चेंज आएगा चेंज जिसकी वजह से ये चेंज होगा ठीक है अब ये जीरो से वन जा रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं इसमें कोई चेंज नहीं तो अल्टीमेटली आप सिमिलरली करके इस तरह से पूरी टेबल को शो कर सकते हो कि फाइव का बाइनरी आ गया सिक्स का बाइनरी आ गया सिमिलरली सेवन बाइंडरी एट बाइंड नाइन अप टू वेयर अप टू लास्ट वन 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 यानी कि अप टू लास्ट हो जाएगा फिफ्टीन सो so, इसकी वर्किंग केवल आपको एक दो स्टेप आपने दो स्टार्टिंग की तीन चार क्लॉक पल्स के लिए समझा दिया उसके बाद आप सिमिलरली करके बाकी सारे स्टेट्स को इस तरह से शो कर सकते हैं दिस फॉलोज अ सिंपली बाइनरी सीक्वेंस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो डैट्स वाई आई कॉलिंग इट रिपल काउंटर क्योंकि ये एक एक करके बिट को काउंट कर रहा है वन टू थ्री रिपलिंग कर रहा है ठीक है कोई स्किप नहीं है कोई सीक्वेंस नहीं है केवल एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है रिपल रिपलिंग कर रहा है ठीक है इसलिए इसे रिपल काउंटर भी बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर इसी तरह अगर ये फोर बिट है अगर सपोज आपको क्वेश्चन पेपर में थ्री बिट आता है तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए यहां से डी के डी को आपका यहीं तक रह जाएगा और उसके बाद ये कितनी क्लॉक पल्स पे रिपीट करेगा जीरो टू सेवन तो आपका केवल ये पोर्शन बनेगा दिस इज द पोर्शन जिसमें आपका क्यू सी क्यू बी और क्यू ए रह जाएगा तो दिस इज द टूट टेबल जो कि ये काउंटर फॉलो करने वाला है दिस जो काउंटर फॉलो करेगा पहले जीरो जीरो से वन वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फिर सिक्स सेवन अब नाउ जब आप लास्ट क्लॉक पल्स पे आ जाते हैं सपोज दिस क्या होगा अब देखते हैं क्या होता है तो जब आप सिक्सटीन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वेन अप्लाई दिक्कस तो टॉगल होना ही है वन से जीरो अब जब क्यूए टॉगल होगा तो वन से जीरो जा रहा है डेट मीन वन से जीरो तो क्यू भी वर्क करेगा यानी ये भी टॉगल हो गया अब अगर ये वन से जीरो जा रहा है तो सी भी वर्क करेगा यानी ये भी टॉगल हो गया वन से जीरो और ये वन से जीरो जा रहा है तो डी भी वर्क करेगा यानी दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो वी कन्वर्ट वी कम टू द सेम इनिशियल स्टेट फ्रॉम वी स्टार्टेड जीरो 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 से वापस जीरो 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 आ गए दैट मीनस कि एक फोर बिट फ्लिप फ्लॉप, एक फोर बिट काउंटर जो है हमारा ए सिंक्रोनस काउंटर दिस विल काउंट जीरो वन टू थ्री अप एस फिफ्टीन फिफ्टीन एंड के बाद वापस कहां पे आ जाएगा जीरो तो जीरो से वन वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव टू सिक्स तो दिस विल नथिंग बट योर वॉट दिस नथिंग बट योर स्टेट डायग्राम अगर आपको याद हो हमने सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ा था सिक्वेंशियल सर्किट में मैंने आपको बताया था कि स्टेट डायग्राम हमने पढ़ा था कि एक स्टेट होती है और इस स्टेट में इनपुट का एप्लीकेशन होने के बाद वी गॉट द नेक्स्ट स्टेट बट यहां पे काउंटर के अंदर एक ऐसा एक तरह से सिक्वेंशियल सर्किट है जहां पर कोई इनपुट नहीं है इनपुट कौन है इसके लिए इनपुट है केवल क्लॉक पल्स तो जैसे ही हम जीरो स्टेट में हैं क्लॉक पल्स अप्लाई हुई इट विल कम्स टू स्टेट नंबर वन जैसी फिर से क्लॉक पल्स अप्लाई हुई स्टेट नंबर टू फिर थ्री तो एक तरह से यहां इनपुट नहीं है बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स वी गॉट द चेंज इन स्टेट इसी तरह थ्री से लेके लास्ट में पहुंच जाएगा फिफ्टीन तक और फिफ्टीन से वापस किस में आ रहा है जीरो तो दिस इज माई कंप्लीट स्टेट डायग्राम ऑफ योर फोर बिट रिपल काउंटर अगर इसी तरह से आपको थ्री बिट का बनाना है तो जीरो जीरो के बाद वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो जीरो से वन को फॉलो कराइए वन के बाद टू टू के बाद थ्री थ्री के बाद फोर फोर के बाद फाइव फाइव के बाद सिक्स सिक्स के बाद सेवन और सेवन के बाद वापस जीरो सो दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ थ्री बिट रिपल काउंटर सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली क्वेश्चन पेपर में जब आता है कि फोर बे ट्रिपल काउंटर एक्सप्लेन करो तो शायद हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं बचती है बट अगर आप वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वन बाय वन जैसे मैंने समझाया है इन द टुट टेबल आप लोग वहां पे मार्किंग uh, कीजिए कि बेसिकली कहां पे वन से जीरो में चेंज आ रहा है जिससे वैल्यू अपने आप को चेंज करेगी नेक्स्ट फ्लॉप अपने आप को चेंज करेगा उसी तरह से आप स्टार्टिंग की दो तीन लाइन को एक्सप्लेन कर पाएंगे ओके सो आई होप

एक टाइप का काउंटर देखा है वी विल स्टडी द नेक्स्ट टाइप ऑफ काउंटर जिसे हम बोलते हैं अप एंड डाउन काउंटर सो स्टेट यून थैंक यू